तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉक वीडियो को, जो कि कॉपीराइट क्लेम होता है, जो कि वीडियो ब्लॉक हो जाता है उसको ब्लॉक से अनब्लॉक कैसे करें और कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटाएं। तो चलिए दोस्तों लेके जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, वहाँ से बताते हैं कि कैसे हटता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्रोम ब्राउजर में अपना डेस्कटॉप साइट में वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, जिसकी हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है। थोड़ा देर वेट करना है, वेट करने के बाद सॉरी दोस्तों यहाँ पे सिंगिन पे जाना है। सिंगिन पे जाने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइट में अपना वाई टी स्टूडियो खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से खुल जाने के बाद यहाँ पे कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाने के बाद दोस्तों जो भी वीडियो पे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट क्लेम तो मेरा यही पे वीडियो पे है, जैसे कि मैंने त्रिपाल मूवी को देखने गया था, ब्लॉग शूट किया था। ब्लॉग में दोस्तों कुछ जो है मूवी का सीन दिखा दिए थे, तो वीडियो को मैंने टेक डाउन करके ब्लॉक कर दिया गया। तो ये ब्लॉग वीडियो को कैसे अनब्लॉक करेंगे, कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटाएंगे, तो चलिए प्रोसेस हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर कैसे हटता है। तो यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद कॉपीराइट क्लेम वाला जितने भी यहाँ पे वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इधर स्क्रॉल करेंगे कुछ इस प्रकार से, जूम कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक करना है। कॉपीराइट क्लेम की क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सी डिटेल पर जाना है। सी डिटेल पर जाने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताएगा कि कौन सा वीडियो क्यों ब्लॉक हुआ क्यों नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल आर फुल मूवी एंटी प्राइवेसी रेफरेंस, जो कि मेरे वीडियो कॉन्टेंट किसका यूज़ किया यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज, तो वीडियो मेरा मोनेटाइज नहीं हो सकता दोस्तों। और कहाँ कहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो यूज़ किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है, तो उसको के उसके बाद दोस्तों कैसे हटाना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्योंकि मेरा वीडियो है दोस्तों कुछ यूज़ किए हैं तो ये ब्लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे केवल ट्रिम आउट सिस्टम दिया गया है, सेगमेंट दिया गया है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन देता, तीन ऑप्शन में दोस्तों एक और वीडियो मैंने बनाया है कि कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा दोस्तों, वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और ये वीडियो है कॉपीराइट क्लेम है बट ब्लॉक हो चुका है, वो वीडियो ब्लॉक नहीं था, वो वीडियो चल रहा था लेकिन ये वीडियो ब्लॉक हो चुका है, इसको कैसे हटाएंगे। तो दोस्तों इसको ट्रिम आउट सेगमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉक नहीं हटेगा। तो यहाँ पे ट्रिम आउट इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जहाँ जहाँ पे वीडियो हम यूज़ किए हैं वहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग लग चुका है। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देना है कुछ इस प्रकार से। कंटिन्यू कर देने के बाद इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम कर देने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ देर वेट करना है, कॉपीराइट क्लेम और अनब्लॉक हो जाएगा वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।